जय श्री कृष्णा। पिछले अध्याय में भक्ति या भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति के विज्ञान का पता चला। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपनी अनंत महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन करके अर्जुन की भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। ये पंक्तियां न केवल पढ़ने में मनभावन है बल्कि सुनने में भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। वह अर्जुन को उनकी महिमा पर चिंतन करके भगवान का ध्यान करने में मदद करते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो कुछ भी मौजूद है उसका स्रोत वे ही है। उन्हीं के मन से 7 महर्षि, 4 महर्षि और 14 मनु उत्पन्न हुए। फिर इस संसार के सभी लोग उन्हीं से निकले। मनुष्य में विभिन्न असाधारण गुण भी उसी से उत्पन्न होते हैं। जो भक्त इस बात को जानते हैं वे बड़ी आस्था के साथ उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। उनकी महिमाओं के बारे में बातचीत करके उन्हें अत्यधिक संतुष्टि मिलती है और वे दूसरों को उनके बारे में ज्ञान देने में भी मदद करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं जिनका मन सदैव उनमें एकाकार रहता है। फिर वह उन्हें अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से वे ईश्वर प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व है और उनसे उनकी दिव्य महिमाओं का और वर्णन करने का अनुरोध करते हैं। जो दिव्य अमृत के समान है, श्री कृष्ण तब प्रकट करते हैं कि जो कुछ भी मौजूद है वह उनकी ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति है। वह सबका आदि, मध्य और अंत है। सभी प्राणियों और वस्तुओं को अपना वैभव उन्हीं से प्राप्त होता है। वह वैभव का बिजलीघर और ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य और महिमा का अनंत भंडार है। जो कुछ भी हमारी कल्पना को पकड़ लेता है और हमें आनंद से भर देता है, वह उनके ऐश्वर्य की एक छोटी सी चिंगारी के अलावा और कुछ नहीं है। शेष अध्याय में उन व्यक्तित्वों, वस्तुओं और गतिविधियों का वर्णन किया गया है जो उनकी महिमा को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं। श्री कृष्ण अंततः कहते हैं कि उनकी महिमा की भयावहता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपने अस्तित्व के एक अंश के भीतर वह अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। चूंकि ईश्वर समस्त वैभव और महिमा का स्रोत है, इसलिए हमें उसे अपनी भक्ति का उद्देश्य बनाना चाहिए। श्री भगवान ने कहा है, महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्र निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमाभक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए पर संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेमपूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन,
आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ और देवषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्छेश्वा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुर भी, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में रेमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। क्षरों में मैं अकाल हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। मैं सामवेद के गीतों में बृहत्साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं वृष्णवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चार तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके बाद हम गीता का 11वां अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।